इसलिए भागवत धर्म को परमहंस धर्म कहा जाता है। परम निर्मसराना तथा वास्तव वस्तु मात्र परमहंस। तो यदि हम लोग वासुदेव का चरणा बिंद में, वासुदेवी भगवती, वासुदेव कौन है? स्वयं भगवान, स्वयं भगवान, भगवान स्वयं आदि भगवान, आदि पुरुषम गोविंदम, आदि पुरुषम तमाम भजन। वो जो वासुदेव कृष्णा, वासुदेव का तो भी होता है जो सब जगह में बैठे हुए हैं, बसा हुआ वासुदेव ईश्वर सर्वभूता। और भी वासुदेव का डिस्क्रिप्शन विवरण ब्रह्म संहिता में है। एक पशु रचय तुम जगदन्न कोटी जक्षक्तिरस्ति जगदन्न चया जगंतम अंडांतरस्थम परमान चयांतरस्थम गोविंदम आदि गुरुतम तमाम। ये गोविंद का एक अंश जो है वो वासुदेव, ये कृष्णा वृंदावन में रहते हैं और वासुदेव एक्सपेंशन द्वारका मथुरा आदि स्थान में रहते हैं। वासुदेव यदि ये वासुदेव कृष्णा उनका चरण में हम लोग भक्ति जो प्रेरित करें लगा तो फिर इसका फल क्या होता है? जनयती आशु वैराग्यम, ये चीज चाहिए वैराग्य। इसलिए भक्ति योग का और एक नाम है वैराग्य विद्या। चैतन्य महापुरुष सिखा वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा तमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी पिपाम बुद्धिजस्तमहं प्रपद्ये। वासुदेव भट्टाचार्य सार्वभौम भारत वासुदेव भट्टाचार्य ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना 6 श्लोक में किया था, उसमें 2 मिलता है और चैतन्य महाप्रभु उसको फाड़ के फेंक दिया। हम लोग को सिखाने के लिए स्तुति हम लोग चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु को 6 श्लोक से स्तुति किया वो उसको फाड़ के फेंक दिया, उसमें भक्तों लोग थोड़ा सा संचय किया था 2-4 श्लोक मिलता है। उसमें 1 श्लोक किया है वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा तमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धार इमाम बुद्धिजस्तम अहम प्रपद्ये। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण वो अभी श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुआ और सिखा रहे हैं क्या? वैराग्य विद्या। और वैराग्य विद्या है क्या? निज भक्ति योगम, वैराग्य विद्या निज भक्ति। तो भक्ति योग का अर्थ होता है कि ये जो हम लोग दुनिया में फंसे हुए हैं भौतिक ये शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसमें वैराग्य होना चाहिए, ये भक्ति योग का। जब तक ये शरीर साधन के लिए हम लोग को वैराग्य उत्पादन नहीं, भक्ति परिसानुभव विरक्ति अन्नत्र सा भक्ति, भक्ति भगवान को अनुभव करना और साथ साथ में एक दुनिया का विषय में वैराग्य उत्पादन का। अन्ना विलासिता सुन्नम, दुनिया का जो आसक्ति समझना केवल अभिलाष काम सब समय तो श्रीमान नहीं है कहां तक जाना चाहिए, जैसा अभी दुनिया में चल रहा है कहां का भौतिक सभ्यता आगे बढ़ना चाहिए इसका कुछ नियम नहीं, आगे चलता आगे और ये ठीक नहीं है। चाहिए भौतिक वस्तु चाहिए शरीर का पालन करते लिए, जितना जरूरत उससे ज्यादा नहीं, बाकी समय है भगवत वक्त। ये बड़ा मुश्किल है सिखाना और इसका ग्रहण करना, इसलिए कहता है जो वो संभव होगा यदि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोग। जैसे वासुदेव भगवान कृष्ण को हम लोग इधर भजन करते हैं, आप लोग कृपा करके आते हैं, ये घर में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान विराट रूप होते हुए भी भक्त को कृपा करने के लिए छोटा सा रूप भी ग्रहण करते हैं, अनोरणियान महतो महियान। भगवान की विराट रूप से आप देखने चाहते हैं वो भी प्रस्तुत है और आपको भजन करने के लिए छोटी सी मूर्ति भी धारण करते हैं। तो वासुदेव भक्ति ये शुरू करनी, घर घर
अरे ये जो मंदिर में नहीं, मंदिर में सिखाया जाता है किस तरह से भगवत भजन करना है। और इसको विशेष करके गृहस्थ लोग जो है, ये वासुदेव भगवती भक्ति योग, वासुदेव भक्ति योग तो वैराग्य हो जाए। बिना वैराग्य हुए हमको ये आवागमन चालू रखने पड़ेगा, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करने पड़ेगा और कर्म का अनुसार भोग करने। ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही असल दुख है। बाकी आदमी नहीं समझता, आदमी समझता है हमको मौका मिल गया तो सुख भोग कर। नहीं, मौका तो जरूर मिला है, बाकी वो जो चीज है इंद्रिय तृप्ति उतना फंस जाए। ये ऋषभ देव बताया, नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा फंस जाए हैं तो विकर्म करने पड़ेगा। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म, विकर्म माने साथ के विरुद्ध जो काम है वो सब करने पड़ेगा, जोश जबरदस्त कुरुते विकर्म। और तो विकर्म क्यों मैं कर रहा हूं, जब इंद्रिय प्रत्यय सिंपली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंसेस, इंद्रिय तो सुख के लिए, तो उसमें क्या लाभ होगा, न फंस जाएंगे शरीर भी लाभ करने देने पड़ेगा तथा देहांतर प्राप्ति। और जहां शरीर आ भौतिक शरीर धारण किया केवल ही दुख, इस तरह से केवल दुखी दुख, दुखालम असास। बाकी माया का प्रभाव से हम लोग दुख को सुख मान लेते हैं, इसलिए इसका नाम माया। असल में आए दुख, दिन भर हम लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके कुछ रुपया मिल गया हम लोग समझते हैं बड़ा सुख, और जो परिश्रम किया इतना उसको भूल गया। तो इसीलिए वैराग्य पैदा कर, पहले बताया ना, जो जयात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को सुप्रसन्न करने के लिए वो पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रदुखति। यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को भगवत गीता में भी यही बात बताया, भोक्तारं जग्त तपसां स्वर्ग सर्वलोक महेश्वरं श्रीराम सर्वभूतानां ज्ञाता मां शांति इच्छति। यदि आप शांति चाहते हैं, आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं, तो ये रास्ता कि भगवान भोक्ता, मैं भोक्ता, तो भगवान को भोक्ता बनाइए। ये मंदिर में होता है, Tava kripa hale mor mor katha shudhabe shuniha sapara shoka dukha che guchibe nachao 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 prabhu Nachao se mate ah.